दोस्तों वेलकम बैक टू केवीआर गेमिंग सिस्टम। तो हमारे साथ है भैया जो पीसी बिल्ड कराया भाई ने, तो भाई से पूछते हैं कहाँ से आए और किस यूज के लिए हुआ है उन्होंने पीसी। तो भाई कहाँ से आए हो आप? मयूर विहार से। तो भैया मयूर विहार से आए हुए हैं, तो आपने जो पीसी लिया है किस लिए लिया? गेमिंग के लिए लिया या फिर अपने पढ़ाई या कोडिंग वगैरह के लिए? गेमिंग एडिटिंग। तो यानी ऑलमोस्ट जो भी है गेमिंग एडिटिंग जो भी मतलब पीसी में होना चाहिए वो सारा कुछ हो जाएगा इसमें, और भाई को करना भी है सब कुछ। तो मैं बताता हूँ जो इसमें यूज हुए हैं कॉम्पोनेंट। सबसे पहले इसमें प्रोसेसर यूज हुआ है 13th generation i5, और उसके बाद हमने यूज़ किया है इसमें मदरबोर्ड गीगाबाइट का B764 रैम स्लॉट के साथ। पर इसमें वाईफाई नहीं है, इसी में वाईफाई वाला भी आता है, पर भाई को नीड नहीं थी वाईफाई की, तो भाई ने बोला कोई नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं लैन से चला लूँगा। ठीक है, फिर भाई ने यूज़ की है इसमें कॉर्सेयर की रैम 16x2 5200 MHz की DDR5। उसके बाद सप्लाई जो है इसमें RX650 है 80+ ब्राउन्स एंटी स्पोर्ट्स की। और इसमें जो स्टोरेज में यूज़ किया गया, तो भाई को मैंने बोला कि भाई आप NVMe लगा लो, भाई ने बोला नहीं मुझे नीड नहीं है इतनी, मेरे को बस साटा ही चाहिए। तो भाई ने को मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, अगर आपको नीड नहीं है तो आप साटा ही लगाओ। 480GB है WD ग्रीन की, इसके साथ 4 फैन में कैबिनेट है, ARGB कैबिनेट है, अभी तो ग्रीन कलर है, बाकी अपने मर्जी से सिंगल मल्टी जो मर्जी कर लेना। फिर सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है इसमें जो 3 फैन के साथ जो कार्ड लगाया गया है, इसमें ओशी एडिशन है गीगाबाइट का 4060। तो और इसके साथ जो टोटल पीसी की कॉस्ट आई है 73,500 टोटल पीसी की कॉस्ट आई हुई है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।